भारतीय सेना का एक जवान 18 सालों तक बर्फ में दबा रहा। 18 साल बाद बर्फ में दबा उनका शव पाया गया। 1996 में गायब हुए हवलदार गया प्रसाद का शव मैनपुरी उनके पैतृक गांव में लाया गया है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, जहां सालों भर तैनात रहते हैं भारतीय सेना के जवान, और चारों तरफ नजर आती है बर्फ की सफेद चादर। इसी बर्फ की कब्र में 18 साल तक दबा रहा भारतीय सेना का एक बहादुर जवान हवलदार गया सिंह। और अचानक 18 साल बाद हवलदार गया सिंह का शव भारतीय सेना को मिला। रविवार को सेना के जवान उत्तरी ग्लेशियर के खंडा और डोलमा पोस्ट के बीच गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें गया प्रसाद का शव बर्फ में ढका मिला। 18 साल तक बर्फ में दबा रहा शव पूरी तरह सुरक्षित था। गया प्रसाद की जेब से जवानों को एक पत्र भी मिला। ये पत्र कंपनी कमांडर ने कमांडिंग ऑफिसर को लिखा था। इसी पत्र से गया प्रसाद के बटालियन की पहचान हुई। तब जो घाव मेरे हो गए थे, वो सारे के सारे घाव अब मेरे ताजे हो रहे हैं, इसलिए मुझे दुख हो जाता है। लेकिन जब देश की बात मैं करता हूँ, तो जो एक मतलब देश के लिए शहीद हो गया है, तब मेरा दिल है वो कमल की तरह से प्रफुल्लित होने लगता है। 18 साल पहले सियाचिन में 15 राजपूत बटालियन के हवलदार गया प्रसाद जवानों के लिए सप्लाई इकट्ठा करने गए थे, लेकिन उत्तरी सियाचिन ग्लेशियर से वापस नहीं लौटे। काफी खोज करने के बाद भी जब वो नहीं मिले, तो 38 साल के इस जवान को मृत मान लिया गया। लेकिन इसकी पुष्टि 18 साल बाद दो दिन पहले हुई। हवलदार गया सिंह का शव मिलने की सूचना उनके पैतृक गाँव यूपी के मैनपुरी में दी गई। घर वालों को सहसा यकीन ही नहीं हुआ कि 18 साल से लापता उनका सपूत मिलेगा भी तो शव की शक्ल में। फौजी आए नहीं बताई आएगा कि मौत भाई मिल गई हुआ। अब तुम चाहती हो यहाँ अगर घर में बुलाए भी को तो बताओ भेजो लल्ले भाई को, तब ने लल्ला भेज दो ले आ। दिसंबर 1999 में प्रसाद के परिजनों को सेना प्रमुख का हस्ताक्षर किया हुआ सम्मान प्रमाण पत्र मिला, जिसमें लिखा था, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन मेघदूत के दौरान गया प्रसाद मारे गए। गया प्रसाद के शव को दिल्ली में पूरा राजकीय सम्मान दिया गया। इसके बाद शव को मैनपुरी भेज दिया गया, जहां उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।